हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इसमें। मॉर्निंग का टाइम है, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज की अपनी ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन की टॉपिक है। एक भाई लगभग कल ही सिर्फ आधे घंटे में एक 50 तक मैसेज कर दिए, उनके कमेंट देखकर मुझे ही रुका नहीं गया है। इसलिए आज ही टॉपिक ये टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है कहकर वो टॉपिक लेके आया हूँ। क्या टॉपिक है वो? बच्चे जब भी एक महीना क्रॉस होते हैं, एक महीने के हो जाते हैं या दो महीने के नज़दीक नज़दीक आते, तब एक बच्चा दूसरे बच्चे को घातक भूख लेते, सिर पूरा खुना खून कर देते और पंख पूरे लोच कर खा लेते एक दूसरे से। वो किस तरह से, क्यों, क्या रीज़न है फिर वो उस तरह से बच्चे एक दूसरे के पंख लोच के खाने का और मार लेने का क्यों मार लेते हैं, इसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, अगर से बच्चे में कैल्शियम की कमी हो जाए ना, एक दूसरे बच्चे के पंख उखाड़ कर खा लेते हैं, क्योंकि पंख में कैल्शियम रहता है। वो कैल्शियम की कमी होने से पंख उखाड़ के खाएंगे। यहाँ पर आपको वीडियो में दिख रहे होंगे ये बच्चे अभी 68 डेज के हैं, एक भी बच्चा दूसरे बच्चे के पंख नहीं खा रहा है। एक बार जूम कर भी दिखा दूंगा, एक बार बच्चों को भी देख लीजिए आप, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, एक भी बच्चा इसमें से पंख उसके गए हुए नहीं नज़र आएंगे आपको। क्यों नहीं नज़र आएंगे, पहले ये बच्चों को किस तरह से पाले हैं वो जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों आपके बच्चे भूख ले रहे हैं। कर डे ओल्ड पे हम गुड़ का पानी दिए और डे 2, 3, 4 ये 3 दिन लैक्सिन पाउडर दिए, वहाँ से इवनिंग के टाइम पे विमरल दिए कंटिन्यू, मतलब लगभग एक 2 महीने हुए तलक बच्चों को क्या करे हम, कंटिन्यू विमरॉल मल्टी विटामिन की जो वो शीशी रहती है, विमरॉल की 5 दिन इस्तेमाल करना है आपको। एक दिन फ्रेश वाटर दे देना है, फिर 5 दिन इस्तेमाल करना है, फिर एक दो दिन तीन दिन रुक कर फिर कंटिन्यू आपको विमरॉल इस्तेमाल करना है। ऐसे एक हफ्ते में लगभग 5 दिन आप विमरॉल दीजिए, 2 दिन फ्रेश पानी दीजिए, फिर 5 दिन विमरॉल दीजिए, इस तरह से कंटिन्यू आप 2 महीने तक बच्चों को, नहीं तो 1.5 महीने तक तो भी लगभग 45 डेज तक तो भी विमरॉल दीजिए, ताकि विमरॉल में मल्टी विटामिन की टॉनिक रहती है, वो अच्छे से क्या करती है, कैल्शियम की भरपूर मात्रा में बच्चे को कमी नहीं होने देगी। इसीलिए बच्चे पंख नहीं खा लेंगे एक दूसरे के, और मार लेंगे भी नहीं, एक दूसरे को भूख लेंगे भी नहीं। जब बच्चा एक दूसरे के पंख खींचता है तो उसे बीपी चढ़कर भूखता है, दूसरे बच्चे को भी भूखता है, तो इसी तरह से होता है। और एक दूसरा रीज़न क्या है फिर भाई, हमारे पास अभी तो भूख ले रहे, अभी बताओ इलाज क्या है। अभी देखिए दोस्त, आप इलाज क्या कर सकते हो, इन्हें चोंच जो सामने की रहती है बिल्कुल जो नाखून की तरह, हमारा नाखून किस तरह दिखता है ज़्यादा बढ़ गए तो उस तरह से चोंच दिखती है बच्चों की, वो कैंची लेकर अनामत कट करना है आपको, कट कर जो कटर रहता है अपना, कटर का एक घिसने का हिस्सा रहता है जो तेज़ कट करने के बाद उसकी नोक और तेज़ हो जाती है, तो उसे घिसना है थोड़ा सा नोक को, तो ये एक काम करना है पहले। और दूसरा, आपको सब्ज़ी आपके बाज़ार में, आसपास के बाज़ार में फ्री में भी मिल जाएगी, बाज़ार जब हो जाता है बस ये तो सब्ज़ी फेंक कर चले जाते हैं, वो वहाँ से आप एक आदमी को लेके जाकर बाइक पे आराम से ला ले सकते हो, जैसे हम लाए हैं इस तरह से लाकर आपको सब्ज़ी डालना है, इससे फीड कॉस्ट भी कम आएगा और मुर्गी हो बच्चा हो सब्ज़ी को भूखते रहेगा, तो उसका चोंच भी उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, हज़म हो जाती है, चोंच हज़म होती है, कैसे हज़म होती है, चोंच मतलब थोड़ा घिसे जाते रहती है, और बच्चे का एग्रेशन भी कम होते रहता है, उसे क्या भी नहीं मिलेगा, सिर्फ दाना खा रहा है, उधर इधर फिर रहा है, बच्चा बाजू में दिखेगा तो आपको वो ये भोग देगा, इसीलिए क्या करना है आपको, सब्ज़ी भी डालना है ताकि वो सब्ज़ी को मारते रहता है तो उसका एग्रेशन भी कम होते रहता है। और एक दूसरा ऐसे कि अभी यहाँ पर लकड़ी है, ये लकड़ी को आप नीम का पत्ता लटका देना है, नीम के पत्ते को भी भोगेगा या उसकी स्मेल से भी मुर्गी का या बच्चों का एग्रेशन कम होगा कहकर कहा जाता है। मैं तो लगाया हूँ, आप भी ट्राई करिए, क्योंकि मेरे पास उतनी दिक्कत अभी नहीं आई है, अपन फार्म में करते जब बहुत सारी दिक्कत थी, वो उससे भी हम बाहर निकले और आपको भूख ले रहे तो और एक भी इलाज है। आप इस तरह से अभी यहाँ पर 2 बच्चे बहुत घातक भूख ले रहे हैं, वो 2 बच्चों को क्या करिए, यहाँ पर इस तरह की जाली में क्या करना है आपको, वो 2 बच्चों को डालना है, थोड़ी देर भूखने देना है, ज़्यादा नहीं भूखने देना है, घायल ज़्यादा नहीं करने देना है उन्हें, उसके बाद 2 बच्चों को सेपरेट कर देना है अलग अलग जाली में, 2 पार्टीशन करके, एक 3 दिन बाद अच्छे से दाना दीजिए, अच्छे से पानी दीजिए, 3 दिन बाद खोल दोगे तो मिल जाएंगे वो ये बच्चों में, अगर से नहीं मिल रहे तो अभी थोड़े दिन 2 दिन फिर बाजू का अलग रखना है फिर मिलाना है, ये कारगर है, बहुत कारगर रहेगी ये ट्रिक, यानी बच्चे इसमें से 2 बच्चे या 4 बच्चे घातक भूख ले रहे तो 4 बच्चों को अलग अलग करना है आपको, अलग अलग रखना है, उसके बाद
अभी देखिए यहाँ पर अपने पास अभी 27 चिक्स है, ये 27 चिक्स में से एक चार बच्चे बहुत भोंकले रहे हैं ना, कल देखोगे आप तो इसमें से आधे बच्चे भोंकने लग जाएंगे, ताकि अब तभी तुरंत एक्शन लेना है। चार बच्चे भोंकले रहे तो तभी निकाल देना है आपको वो बच्चों को, उसी तरह रखोगे तो उसको देखकर सारे बच्चे भोंक लेंगे दोस्त। ये क्या करना क्या है आपको, नीम का पत्ता और सुजनी का पत्ता भी लटका सकते हो फार्म में, ये एक, और ये दूसरा बच्चों को जो भूख ले रहे हो उसे अलग करना है। जो घायल भूख लेते हैं उन्हें क्या करना है, हल्दी लगा देना है, जहाँ पर भी खून निकल रहा है अच्छे से फुल हल्दी लगाना है, और थोड़ी सी चोंच कट करना है, ज़्यादा चोंच नहीं कट करना है दोस्त, चोंच में से खून भी आने के चांसेस है, थोड़ा कट करना है, और सब्जी लाकर डालना है। इतने सारे बता रहा हूँ, ये सारे आपको आजमाना है, ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा इसमें, सिर्फ मेहनत लगेगी, और बच्चों को एक 8 दिन 15 दिन गए के बाद वही आराम से ठीक हो जाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे। 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच के बच्चे ज़्यादा लड़ते हैं दोस्त, और भी बच्चे लड़ते हैं भाई, आप 1 से 2 महीने के ही बता रहे हो, हमारे पास 3 महीने के भी बच्चे लड़ रहे हैं, कमेंट मत करना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 90% 1 से लेकर 2 महीने के बीच के जो बच्चे रहते हैं, ये बच्चे ज़्यादा अग्रेशन में रहते हैं, भूख लेते रहते हैं, और बाद में जब 2 महीने के क्रॉस हो जाएंगे तो पता चलेगा उसमें किसमें कितना दम है, किसमें कितनी कैपेसिटी है, भूखने वाला आएगा तो वो भाग जाएगा सामने। अभी कैसा रहता है, मैं ही ताकतवर हूँ कहकर लड़ते रहते हैं, इसीलिए आपको इस तरह के इतने ट्रिक्स आजमाना है, डेफिनेटली इससे छुटकारा पाओगे आप ये प्रॉब्लम से, मतलब भूख लेने के प्रॉब्लम से। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी क्या है, हर किसी के कमेंट का रिप्लाई देना कितना मुश्किल होता है, कितना टाइम जाता है आप समझ ही सकते हो, बट कुछ ज़रूरतमंद भाई भी रहते हैं, उनको जानकारी चाहिए रहती है, तो वो भाइयों के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ यूट्यूब चैनल पे, अपने प्लेलिस्ट है उसमें लगभग 450 की वीडियोस के करीब अभी तक बना चुके हैं हम, उसमें मुर्गी पालन की हर जानकारी रहेगी जो आपको चाहिए। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, मेरे 450 के 450 वीडियोस के करीब, उसमें जो भी जानकारी है दोस्त वो वीडियोस के जरिए आपको मिल जाएगी। देखिए अभी ये भाई ने मुझे क्या पूछे, भाई हमारे पास बच्चे लड़ ले रहे हैं तो क्या करना है, किस तरह से बच्चों को बचाना है कहकर, वीडियो कितने टाइम का लगा है, लगभग 6 से 7 मिनट का वीडियो बनाए, तो सिर्फ ये 6 से 7 मिनट का वीडियो को मैं एक मैसेज के तौर पे, मतलब रिप्ले के तौर पे कमेंट में किस तरह से समझा पाऊंगा आपको, इसीलिए कमेंट बॉक्स में समझाना बहुत मुश्किल होता है दोस्त, और हर किसी के एक के कमेंट का रिप्ले दे दो ना, और दूसरे भी भाई रहते हैं, भाई आप उनका कमेंट का रिप्ले दे रहे हो, हमारे कमेंट का रिप्ले नहीं दे रहे हो, क्या भाई ऐसे कहकर। इसीलिए देखिए दोस्त, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, अगर से प्लेलिस्ट आपको निकालने नहीं आती है यूट्यूब की अपनी, तो अभी मैं बता दूंगा, बट देखिए समझने की कोशिश करिए कितना टाइम लगता है हर किसी के कमेंट का रिप्लाई देने का, और आपके लिए तो इतने सारे वीडियोस बना रहा हूँ, आप समझ सकते हो यूट्यूब से उतना कुछ भी कमा नहीं पाएंगे, मतलब उतने हज़ारों के रुपये नहीं आएंगे, बस क्या है मेरा मकसद देखिए, मेरे वजह से बहुत अपने भाइयों को, बहुत सारे भाइयों को यूज़ हो इन्फॉर्मेशन, और वो भी आगे बढ़े और दुआ दे, बस इतनी। देखिए प्लेलिस्ट अभी किस तरह से निकालना है, इस तरह से जब आप YouTube एप्लीकेशन खोलोगे दोस्त, यहाँ पर सर्च बॉक्स जो दिख रहा है इसमें टाइप करना है आपको अजमत पाशा कहकर, यहाँ पर अजमत पाशा कहकर टाइप करोगे तो आ जाएगा, इस तरह से टाइप करना है और सर्च करना है, सर्च करोगे तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो आ जाएगी, इस पर क्लिक कर रहा है फ़ोटो पे। तो अगर से आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकॉन की घंटी भी दबा ले सकते हो, इस तरह से जब आएगा ना यहाँ पर लास्ट देखिए कॉर्नर पे प्लेलिस्ट क्या करें, इस पर दबाना है प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट पे जब दबाते ही आपको अपने सारे वीडियोस आएंगे, इसमें यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे मुर्गी पालन क्या करें 412 वीडियोस के करीब है, इस पर दबाते हैं हम 412 जो है उस पर दबाते ही अपने पूरे वीडियोस जितने भी है प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस 412 वीडियोस इस तरह से दिखाई देंगे। आपको जो भी वीडियो पसंद है, आपको जो भी वीडियो की जानकारी चाहिए तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी ये वीडियोस में, तो इस तरह से आपको जो जो वीडियोस चाहिए वो सारे देखिए, अगर से नए हो आप तो सारे वीडियोस देखिए, ताकि बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, एक से अलग जानकारी मिलेगी आपको ये अपने प्लेलिस्ट में। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में, अगले वीडियोस आने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की घंटी दबाकर ऑल कर लेना, अरे यार फोन पकड़ पकड़ कर हाथ दर्द दे रहा है वो, ठीक है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ नाइस डे।